नमस्कार दोस्तों, बस यूं ही मैंने सोचा आज आपसे एक विशेष तरह की बात की जाए। आज से अनलॉक 5 की ओर हमारा भारत देश अग्रसर है, जहां पर क्या-क्या खुल जाएगा आज समाचार पत्रों में है, कैसे स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, कैसे थिएटर खुलेंगे। पर जो बात लगातार 7 महीने से जारी है, वैसे 7 महीने नहीं, अगर मैं बोलूं तो 10-11 महीने हो गए हैं कोरोना का आए आए हुए। चाइना में दिसंबर में आ गया था, दिसंबर 2019 में, और हमारे देश में मार्च में आ गया था तेजी के साथ। मार्च से लॉकडाउन भी हो गया था। वैसे तो केसेस और पहले से आने लग गए थे, लेकिन लॉकडाउन 25 मार्च से चालू हुआ था। तो कोरोना की उत्पत्ति से लेकर के आज तक की मैं बात करूं तो केवल एक ही बात लगातार जारी है, और वो यह है कि आखिर कोरोना कब जाएगा। एक अनुत्तरित प्रश्न है कि आखिर क्या होगा, आखिर कोरोना कब जाएगा। हर कोई यही पूछता है, डॉक्टर साहब ये कोरोना कब जाएगा, डॉक्टर साहब आगे क्या होगा, डॉक्टर साहब इसका इलाज कैसा होगा, क्या इलाज होगा, क्या इसकी वैक्सीन निकलेगी, वैक्सीन कब आएगी। तो आप ये सोचिए, कोई भी बीमारी का रूप ले लिया है तो ये जाएगा या नहीं जाएगा, यह कह पाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसी बीमारियों की बात करूं जिनका इलाज अभी भी उतना सटीक नहीं हो पाया है या उतना सटीक नहीं आ पाया है, विद्वान अभी भी खोज जारी रखे हुए हैं, लेकिन क्या उसके साथ लोग जिंदा नहीं हैं, जी रहे हैं। यदि मैं बात करूं एड्स की, तो एड्स का बहुत अच्छा इलाज अभी भी नहीं आ पाया है। यदि मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर में लोग कीमोथेरापी के बाद, रेडियोथेरापी के बाद, ऑपरेशन के बाद भी बार बार होने से परेशान है। यदि मैं बात करूं टीबी की, तो टीबी बहुत हद तक ठीक हो जाने वाली बीमारी हो गई है, लेकिन टीबी का कोर्स करने के बाद वापस भी उनको परेशानी हो जाती है। यदि मैं बात करूं डेंगू की, तो डेंगू में लोगों को प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी बहुत अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। लोग पपीता की पत्ती खाते हैं, कोई बकरी का दूध पीता है। तो उसी तरीके से कोरोना के साथ भी जीने की आदत डालना ही पड़ेगी। वैक्सीन आ जाने के बाद भी क्या होगा, बहुत सारे ज्योतिषी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। कोई ज्योतिषी ने बोला था कि अप्रैल में कम हो जाएगा, कोई बोला जून में कम हो जाएगा, कोई बोला सितंबर में कम हो जाएगा। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो अप्रैल भी चला गया, जून भी चला गया और सितंबर भी चला गया, आज हम 1 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। तो आप इस तरह के किसी भी ज्योतिष या किसी भी जो वैज्ञानिक लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये साधारण सर्दी खांसी जुकाम है, साधारण बुखार है, इन सब चीज़ों को आप सुनिए जरूर, लेकिन समय के साथ चलने की कोशिश करिए। हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास है कि हम मास्क को लगाएं। तो मास्क को जब भी आप कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पर हैं तो वहाँ जरूर लगाइए। मैं तो यहाँ अकेले हूँ, अकेले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मास्क मेरा रखा हुआ है, मैं प्रॉपर केयर कर रहा हूँ। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तब तक मास्क के रूप में एक विकल्प है। कई लोग पूछते हैं कि क्या मास्क लगाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, क्या कोरोना इतना आसान है, अगर इतना आसान है तो उसके लिए वैक्सीन ढूंढने की क्या जरूरत है। दोस्तों जब तक वैक्सीन नहीं आई है, तब तक एक विकल्प के रूप में हमारे पास मास्क अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इससे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या आप कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन साधारण सर्दी जुकाम खांसी से तो आप मास्क के सहयोग से बच ही सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लाइफ को पटरी पर लेकर के चलें। अनलॉक 5 की ओर भारत देश है, हम क्या खोल सकते हैं, क्या बंद कर सकते हैं। कई बार दो दो तरफ की बातें आती है। एक तरफ तो हम बिजनेसमैन से आग्रह करते हैं कि आप अपना बिजनेस सैटरडे संडे बंद कर दीजिए, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि ये हमारे पॉलिटिशियंस तो रुकते नहीं हैं, पॉलिटिशियंस तो ऐसा करते हैं। तो समाज का जो वर्ग है उसको अपना एक प्रॉपर तरीके का एग्जाम्पल सेट करना होता है, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस को भी प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करना ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ चुनाव की, तो चुनाव रुकेंगे नहीं, देश रुकेगा नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। तो हमें अपना ख्याल स्वयं ही रखना है, हमें अपना ध्यान स्वयं ही रखना है। कोई और आकर के आपके स्वास्थ्य की ध्यान नहीं रखेगा। आपका जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है। आज देखिए 3 महीने 4 महीने लोगों का जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी, बिजनेस नहीं था, हम सब लोग काहे के लिए प्रयासरत थे, हमारा स्वास्थ्य जो है
वो सुरक्षित रहे, हम बचे रहे, हमारा परिवार बचा रहे। तो इसी के लिए हमने जो ये आज आपसे बात करने की कोशिश किया कि आखिर कोरोना कब तक जाएगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, आखिर वैक्सीन कब आएगी उसके लिए भी हमको इंतज़ार करना होगा, लेकिन हमको चलना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा, हमको जीविकोपार्जन के लिए कमाना पड़ेगा, ये सारा करना पड़ेगा। हम लोग तो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, हमको मरीज देखना पड़ेगा। हमारे पास रोज़ मरीज आते हैं, रोज़ सर्दी खांसी बुखार के मरीज आते हैं, हम डरते हुए भी उनको देखते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो लोग कोरोना का ट्रीटमेंट करा करके अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो लोग भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। उनकी कमजोरी नहीं जा रही, खांसी नहीं जा रही, श्वास की परेशानी नहीं जा रही है। इसी तरीके से जिनको पॉजिटिव हो जाता है और वो 20-25 दिन अस्पताल में एडमिट रहते हैं, तब भी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, होम्योपैथी पर विश्वास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सारा प्रयास करिए, लेकिन स्वयं को, खुद को सुरक्षित रखिए। आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमें YouTube चैनल पर देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।